हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए ये वीडियो है और समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार क्या है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है एयर बी दोनों। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी एयर बी दोनों, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है दो, समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी। तो ए है 1838, बी है 1828, सी है 1938 और दे है 1848। तो सही आंसर ऑप्शन ए 1848। प्रश्न नंबर तीन, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। तो ऑप्शन ए है अगस्त कांटी, बी है डार्विन, सी है दुर्कीब और डी है जॉर्ज सीमेल। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए अगस्त कांटी जी जो है समाजशास्त्र के जनक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चार, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई। ऑप्शन ए है ग्रीक, बी है लैटिन, सी है ग्रीन व लैटिन और ऑप्शन डी है लैटिन व ग्रीक। सही आंसर है ऑप्शन डी लैटिन व ग्रीक। प्रश्न नंबर पाँच है, सोशियोलॉजी को अवैध संस्थान किसने कहा है। ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी है सी राइट मिल और सी है जे एस मिल और ऑप्शन डी है हर्बर्ट मीड। तो आंसर है ऑप्शन सी जे एस मिल ने। प्रश्न नंबर छः है कि समाजशास्त्र को शिल्प कहने वाला समाजशास्त्री कौन है। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है एंथनी गिडिंग्स, सी है सी राइट मिल्स और डी है रॉबर्ट बी स्टिल। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है सी राइट मिल ने जो है समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाला माना है। दोस्तों अगला प्रश्न है सात, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है दुर्गिम, बी है कॉम्ट, सी है मार्क्स, डी है पेरेटो। तो सही आंसर ऑप्शन बी कॉम्प्ट ने, अगस्त कॉम्प्ट ने। प्रश्न नंबर आठ, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल कहाँ है या क्या है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो सही आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। प्रश्न नंबर नौ, समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए है राइट मिल्स, बी है एंथनी गिडिंग्स, सी है मैक्स वेबर और डी है रॉबर्ट बीरस्टेड। तो सही आंसर ऑप्शन ए है राइट मिल्स जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 10 है, नियोजित व सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है विकास, बी है प्रगति, सी है उद्विकास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विकास। प्रश्न कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।